हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बन रहे हैं सुबह सुबह छोले, और छोले हैं ब्लैक वाले। आज मैं ब्लैक वाले छोले बना रही हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गया था ब्लैक वाले छोले नहीं बनाई थी। और एक तरफ छोले उबल रहे हैं, एक तरफ मैं उसका मसाला भी भून के तैयार कर ली हूँ, एक तरफ रोटियाँ भी बन गई है और चाय भी साथ पे साथ मैं घूंट पे घूंट लिए जा रही हूँ, और अब तैयार हो रही हूँ स्कूल जाने के लिए जल्दी से। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं अपने न्यू व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग कैसा होगा ये मुझे भी नहीं पता, खैर जो जो होता जाएगा वो शूट होता जाएगा। तो अभी मैं फिलहाल तैयार हो गई हूँ और स्कूल जाने के लिए अपनी बॉटल टिफिन सब रखती हूँ और स्कूल भागती हूँ, और मिलती हूँ आने के बाद। आ चुकी हूँ मैं स्कूल से और अपनी बॉटल वगैरह सब रखती हूँ किचन में। और पता है क्या, स्वेटर पहन के गई थी सुबह सुबह, आते ही स्वेटर उतार दी हूँ क्योंकि लग रही थी बहुत ज्यादा गर्मी। थोड़ा सा ना इंस्टाग्राम के लिए, अपने इंस्टा के लिए रील बनाने जा रही हूँ क्योंकि कई दिन हो गया मैंने रील नहीं बनाई है, तभी रील्स बना के अपलोड करती हूँ। और जो भी मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पर, मेरी आईडी हैप्पी टीचर ब्लॉग्स के नाम से है, तो आप लोग प्लीज फॉलो कीजिए और मेरी न्यू रील्स और अच्छी अच्छी रील्स जो है वो अपलोड होती रहती है। मतलब फनी वीडियोस मुझे ज्यादा पसंद है तो मैं फनी वीडियोस डालती रहती हूँ उस पर, वो देखने के लिए इंस्टाग्राम पर जाइए और मुझे फॉलो कीजिए। तो अभी मैं फिलहाल आई हूँ और हाथ ना पता नहीं, ये देखिए हाथ इतने काले हो जा रहे हैं आजकल, समझ ही नहीं आ रहा है। स्कूल से आते के साथ ही मतलब वहां कॉपियां चेक करती हूँ, ऐसे लगता है कि मैं कोई वहां पे साफ सफाई करके आ रही हूँ, इतने हाथ काले हो जाते हैं, इतने हाथ काले हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता। मैं फिलहाल हैंड वॉश करती हूँ, अच्छे से रगड़ रगड़ के धोऊंगी, गंदगी निकलती है, पता नहीं क्यों इतने काले हो जाते हैं, जबकि वहां कॉपियां ही चेक करती हूँ। और वीडियो जो भी देख रहा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, एक अंगूठा जरूर दबाएं क्योंकि एक अंगूठा दबाने से मेरा हौसला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो प्लीज मेरा हौसला बढ़ाने के लिए थोड़ा लाइक बढ़ाइए। ये है गजक, तो थोड़ा सा गजक खा लेती हूँ, हल्का छोटा सा पीस बस, क्योंकि मन कर रहा है, मन तो करता ही है, थोड़ा सा ये मैं खा लेती हूँ, बाकी मैं रख देती हूँ। मैंने इंस्टाग्राम के लिए बहुत सारी रील्स बना ली है, अब चलती हूँ काम पे लगती हूँ क्योंकि हो गई है शाम। आजकल इतनी जल्दी शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता है। स्कूल से आओ, खाना खाओ, थोड़ा सा अगर मोबाइल भी लेके बैठ जाओ ना तो इतने में बस शाम हो जाती है। तो अब मैं थोड़ा सा ये सब ड्रेस चेंज करूंगी क्योंकि मुझे लग रही है अब ठंड बहुत, हीरोइन बन ली। बस अब चलती हूँ मैं, कपड़े थोड़े से फुल बाजू के पहनती हूँ, ठंड लग रही है यार। तो यहाँ पर मैं हो गई हूँ तैयार शादी में जाने के लिए, शादी भी है जागरण भी है, तो दो दो चीजें हैं। तो बस चलती हूँ, और स्कूल से आने के बाद वैसे हिम्मत नहीं लेती है कहीं जाने की, बहुत ज्यादा आलस आता है, लेकिन जाना है तो जाना ही है। माता के जागरण में तो दौड़ के जाने वाली हूँ। तो चलिए, अभी घर का काम सारा कर लिया और खाना बनाना नहीं था इस टाइम का, तो इस टाइम का मेरा सारा काम हो गया है, जोत बत्ती जला ली हूँ और उसके बाद तसल्ली से तैयार हो गई हूँ। तो मैं चलती हूँ, और आज मैंने ये वाली साड़ी डाली है, ये साड़ी, क्योंकि ये साड़ी ना आप लोगों को याद होगा मैंने हरतालिका तीज पे डाली थी, बस तभी से डाली थी, और फिर मैंने कहा ये वाली आज डाली लेती हूँ, बहुत दिन हो गया। तो मैंने मैचिंग की चूड़ियाँ वगैरह सब पहन के बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। तो चलिए, मेरे पतिदेव अभी लिफाफा तैयार कर रहे हैं, अब चलती हूँ। तो यहाँ पर ये भी सूट बूट में तैयार हो गए हैं। हाँ भाई, शॉल ले ली हूँ क्योंकि ठंड हो जाएगी, तो भाई साथ में शॉल लेकर मैं चल दी हूँ क्योंकि रात को ठंड लग सकती है, और ऐसे लग रहा है ना पूरी शादियां दिसंबर में ही हो जाएंगी। यहाँ पर चल दी हूँ,
बस अभी देखती हूँ कहाँ लेके जाते हैं। अभी मुझे पता नहीं है शादी कहाँ है, और शादी के बाद फिर आऊंगी जागरण में, क्योंकि दो दो जगह जाना है ना। शादियों का सीजन चल रहा है, हर जगह शादियां ही शादियां एकदम इनको छीक पे छीक आ जा रही है। यहाँ पे भी शादी है किसी की। अभी एक महीने के लिए सब कुछ शांत होने वाला है, उसके बाद फिर शादियां शुरू होंगी जनवरी से। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ, शादी में आ गई हूँ, सारे लोग मिल गए हैं। ये आभा तुलसी माता की जो वीडियो शूट की थी उसके लिए थैंक यू आज बोल रहे हैं। थैंक यू। शादी में से तो आ गए हैं और गाड़ी खड़ी कर दिए हैं और ये हंस रहे हैं। गए हो रहा है लिफाफा देके। लड़की की शादी थी और उन्होंने बड़े प्यार से बुलाया था, तो जाना जरूरी था। और अब माता का जागरण क्योंकि हमारी ही गली में है, तो गाड़ी की कोई जरूरत नहीं है, तो हमने गाड़ी खड़ी कर दी। अब हम पहिया पहिया जा रहे हैं दोनों मियां बीवी। जागरण से आ गई हूँ और आने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करूँ, सुबह स्कूल जाना है और जागरण वगैरह मुझे बहुत ज्यादा अच्छा ही लगता है जागरण में जाके, लेकिन सुबह स्कूल भी तो जाना है, इसलिए मैं जल्दी से आ गई हूँ वहां से। और 12 बज गए हैं, सामने घड़ी है, 12 बज गए हैं। और बस 12 बजे से ज्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं थी बैठने की, क्योंकि सुबह ना फिर मैं जग नहीं पाऊंगी, इसलिए अब मैं चलती हूँ फटाफट सोने की तैयारी करती हूँ। आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा थोड़ा लाइक बढ़ाइए और शेयर कीजिए वीडियो को, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। पीछे से आवाज आ रही है, देख सकते हैं आप लोग, पीछे से गाने की बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। और ये कान का ना बहुत भारी सा लग रहा है, मैं इतना बड़े बड़े पहनती नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने पहन लिया था। और ये साड़ी का कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। तो बस अब निकालती हूँ सारा कुछ, सोने की तैयारी में हूँ अब। हाय हाय।